हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं BU by 11 जिसमें लगा पैटर्न लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं, तो देखते हैं पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहले अपना फ़ोन यानी कि पावर ऑफ करना है। यो आज हम फोन जो UMT के जो कोलकम का सेटअप होता है दोस्तों, QC5, उससे हम दोस्तों आज इसे जो है अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि मैं इस यानी कि पावर ऑफ कर लेता हूँ अपना फ़ोन। पावर ऑफ करने के बाद दोस्तों, जो इसका बैक पैनल है वो हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो यानी कि आइडियल पॉइंट है यानी कि जो हमारा फ़ोन जो कनेक्ट होगा यानी कि वो इसके अंदर है। तो इसका सबसे पहले यानी बैक पैनल खोल लेना। तो मैं इसका बैक पैनल खोल लेता हूँ। इसके दो पॉइंट होते हैं दोस्तों, वो यानी कि इसके बैटरी का जहाँ पता लगता है दोस्तों, उसके यानी कि नीचे है। तो मैं सबसे पहले अपना फ़ोन जो खोल लेता हूँ। खोलने के बाद दोस्तों, फिर हमें यानी कि दोनों आपस में वो टच करने होंगे। टच करने के बाद दोस्तों, हमारे PC से जब भी कनेक्ट होगा हमारा फ़ोन, तभी इसमें जो है पैटर्न लॉक लगा हुआ और FRP तभी यानी कि रिमूव होगी। तो यानी कि मैं इसका सबसे पहले यानी कि जो ये फिंगरप्रिंट वाला जो पत्ता है दोस्तों, इसे जो हटा देता हूँ, यानी कि जो इसका पेज है वो खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद दोस्तों, इसमें सारे पेज यानी खोलने पड़ेंगे। ऊपर वाली जो ब्लैक सी जो यानी कि वो है, सारे यानी कि जो इसके पेज हैं वो खोलने हैं। तो मैं खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद दोस्तों, इसके जो ये हटा देनी है। हटाने के बाद दोस्तों, जहाँ बैटरी वाला यानी कि जो स्टिक जो लगी हुई है दोस्तों, इसे यानी कि मैं पहले बैटरी वाला पत्ता हटा लेता हूँ। हटाने के बाद दोस्तों, इसके नीचे यानी कि एक ब्लैक सा यानी कि टेप सा दोस्तों ये है। तो मैं दिखाता हूँ अभी, ये इसके नीचे यानी कि ये हटाना है। हटाने के बाद दोस्तों, इसके नीचे दो पॉइंट हैं, वो आइडियल पॉइंट है यानी कि इनसे ही हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट होगा। देख सकते हो दोस्तों, ये वाले पॉइंट जो है, इसे हटाने के बाद ये दो पॉइंट जो हैं यानी कि इनसे ये आपस में यानी कि टच करने हैं। और USB केबल लगा देना और हमारा फ़ोन, हमारा जो यानी कि फ़ोन है वो PC से कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा UMT का यानी कि QC5 टूल है, उसे अपने यानी कि PC में रन कर लेना है। तो मैं अपने PC में यानी कि रन कर लेता हूँ। फिर जाना है रीड एंड टूल में दोस्तों, यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद दोस्तों, ये जो ये कोलकम का वो है यानी कि इसमें जो है वीवो यानी कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से वीवो। और यहाँ जो हमारा मॉडल है यानी कि VIVO Y11, तो यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अब क्या करना है यानी कि फॉर्मेट FS नहीं होने का, तो वीवो फॉर्मेट और एंड FRP पे क्लिक करना है। और तभी यानी कि अब क्या करना है दोस्तों इसमें, यानी कि अब मैं जो पॉइंट है हमारे दो EDL वाले वो आपस में यानी कि टच करने हैं। और USB केबल इसमें यानी कि लगा देना। सबसे पहले यानी कि कंप्यूटर में जाना है, फिर डिवाइस मैनेजर में हमारे जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारा यानी कि PC में यानी कि एक ड्राइवर बना लेगा, यानी पोर्ट बना लेगा। तो देख सकते दोस्तों, मैंने यानी डिवाइस मैनेजर खोल लिया है। जब तक पोर्ट नहीं बनाने जब तक हमारा फ़ोन यानी कनेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले फ़ोन जो है हमें कनेक्ट करना है, यानी कि अभी उसमें यानी कि फॉर्मेट पे क्लिक करने करना है। सबसे पहले यानी कि फ़ोन जो है कनेक्ट करना। तो ये दो पॉइंट में आपस में यानी कि, तो देख सकते दोस्तों, जो हमारे यानी कि बैटरी के नीचे यानी कि पत्ते के नीचे जो पॉइंट है दो, तो इन्हें आपस में यानी कि टच कर लेता हूँ। और यानी कि USB केबल इसमें यानी कि लगा देता हूँ। तो यानी कि USB केबल लगा दिया। अब लगाने के बाद दोस्तों, हमारे PC में यानी कि पोर्ट बना लेगा। तो देखो दोस्तों, यानी कि पोर्ट बन चुका है। तो मैं दिखा देता हूँ यानी कि एक कोलकम का यानी कि बन चुका है यानी कि USB यानी कि पोर्ट। फ़ोन जो है हमारा यानी कि कनेक्ट हो चुका है एडियल मोड में। अब करना क्या है यानी कि वीवो फॉर्मेट यानी कि इस पर एंड FRP पे क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है यानी कि वो फॉर्मेट हो जाएगा और FRP भी दोस्तों इसमें यानी कि रिमूव हो जाएगी। दोनों यानी कि पैटर्न भी और FRP भी एक साथ यानी कि रिमूव हो जाएगी। और हमारा फ़ोन में यानी कि जो पैटर्न था वो रिमूव हो जाएगा और FRP लॉक भी रिमूव हो जाएगा और हमारा फ़ोन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करो। दोस्तों, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो फॉर्मेटिंग यूज डाटा देखते हैं दोस्तों हो रहा है वो अभी। अब FRP लॉक यानी कि अब वो भी डन हो जाएगा, यानी कि फिनिश देख सकते दोस्तों, यानी कि नीचे आ चुका है फिनिश लिखा हुआ। तो आपको अपने फ़ोन का यानी BU by 11 का इसी तरीके से अपना पैटर्न रिमूव करना है और FRP भी। अब मैं इसमें से USB केबल लगा निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद हमारा यानी कि मैं इसमें जो भी ये वो है यानी कि सब अपने पेज खींच लेना है। और इसका बैक पैनल भी मैं लगा लेता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों, अपना फ़ोन जो है ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों, ये जो ऑन होगा इस तरीके से पहले, यानी कि जो डाटा इसमें वो यानी कि रिसेट होगा। तो मैं से अब हमारा फ़ोन यानी कि ऑन होने वाला है।
ये थोड़ा सा टाइम लेता है, यानी ये फॉर्मेट होने के बाद दोस्तों ऑन करेंगे तो टाइम लेता है। अब हमारा फोन ऑन हो चुका है, अब इसे जो नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट एग्री मैं कर लेता हूँ, यानी कि फॉर्मेट हो चुका है हमारा फ़ोन। और FRP भी दोस्तों इसमें नहीं आने की है, क्योंकि FRP और दोस्तों पैटर्न एक ही साथ उसमें यानी कि रिमूव करना है। बस आपको क्लिक कर देना, FRP भी और पैटर्न भी एक साथ दोनों यानी कि रिमूव हो जाएंगे। फिर यहाँ से मैं स्किप कर लेता हूँ इन्हें, नेक्स्ट और इसके। दोस्तों आपने फ़ोन का यानी वीवो Y11 के आपके पास फ़ोन आता है दोस्तों, आपको अपने फ़ोन का यानी पैटर्न इसी तरीके से आपको रिमूव करना है। UMT का जो क्यूसी फायर यानी कि टूल है उससे यानी कि इसका पैटर्न यानी रिमूव करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने का, आपका दिन शुभ।